हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है एकलव्य स्कूल भर्ती परीक्षा से संबंधित। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पिछले साल लगभग एक साल का समय बीत चुका है एकलव्य स्कूल भर्ती परीक्षा के लिए जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आई हुई थी उसको, और आप लोगों ने फॉर्म भी इसके लिए फिलअप कर दिया है। तो उसके लिए फ़िलहाल जो है एक लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, और शायद इस खबर को सुनकर के आप सभी के होश भी उड़ सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस टॉपिक पर बात होने वाली है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा होगा, अगर क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं, इस पत्र को जारी किया गया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेटर है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, डेटेड 29/6/2022। ठीक है, 29/6/2022 बिल्कुल आज का लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारे टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ETSSE 2021, जो कि इसका कोड है। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम का कोड था ETSE 2021। अब दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, समझिएगा इसको, दिस हैज़ रिफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन 31/3/2021। इसी डेट को जो है वैकेंसी जारी की गई थी। ठीक है, रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी, वेरियस पोस्ट्स ऑफ टीचिंग स्टाफ इन EMRS अक्रॉस 16 स्टेट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, 16 राज्यों के लिए इसको जारी किया गया था। ठीक है, द एग्ज़ाम वाज पोस्टपोन्ड वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड, यहाँ पर दिया गया है इस डेट को जो है इसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था। इन दिस रिगार्ड्स इट इज़ इन्फॉर्म दैट ETSSE 2021 हैज़ बिन कैंसल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बहुत ही धक्का पहुँचाने वाला लाइन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ सकते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म दैट ETSSE 2021 हैज़ बिन कैंसल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है ये एग्ज़ाम। अब बहुत ही आप लोगों के लिए जो है एक दुख की बात है कि इस एग्ज़ाम को फाइनली कैंसिल कर दिया गया है, 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद इसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। द एप्लीकेशन फ़ी पेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों ने दिया था 1500 रुपये का, ठीक है, इतना महंगा इसके लिए जो है चार्ज किया गया था, इतने ज़्यादा फीस लिए गए थे, उसको फ़िलहाल जो है अब आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इस तरह से ये जो है एक दुखद समाचार के साथ इस लेटर को जारी किया गया है। और इसके लिए रिफ़ंड के लिए क्या विधि अपनाई जाएगी, किस तरह से आपका पैसा रिफ़ंड होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है फ़िलहाल। और आप लोग इस पत्र के माध्यम से ये समझ लीजिए कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट एग्ज़ाम हैज़ विद कैंसल्ड, जो वैकेंसीज है उसी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक दुखद समाचार था, इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये खबर सुन करके आपको कैसा लगा और आपके मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ये वैकेंसी अटकी हुई थी, इस वैकेंसी के लिए तैयारियां लोग कर रहे थे, मैंने तैयारियों से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए थे, और फाइनली ये वैकेंसी आज कैंसिल हो गई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस जो है खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।